हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं, मैंने मूंग दाल को रात भर सोख करके रखा हो और अब इसको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और ये हरे धनिया और पुदीने को, दोनों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। बारीक चॉप कटी हुई प्याज डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और लास्ट में हम ये बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। और अब जो पकौड़ों का मिक्सचर तैयार किया है, पकौड़े हम हाथ से बनाएंगे। आप चाहें तो स्पून से भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे, जितने साइज के आपको पकौड़े बनाने हैं, और इस तरीके से हम ऑयल में डाल देंगे। और इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी है और ऑयल को आपने पहले गर्म होने देना है, उसके बाद पकोड़े आपने ऑयल में डालने हैं। तो ये हमने पकोड़े ऑयल में डाल दिए। अब जैसे ही एक तरफ से थोड़े से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने शुरू होंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, पकोड़ों को पलटेंगे। ये पकोड़े थोड़े से स्टिकी होते हैं तो आप एहतियात से पलटें, देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। इस तरीके से हम सारों को पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। तो जैसे ये नीचे से भी थोड़े से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से जो है फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको पेपर टॉवल या फिर जो है टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये तैयार है हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से मूंग दाल पकोड़े। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।